नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ रूपिका कश्यप। दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में रामकथा, लोक और शास्त्र विषय पर विस्तृत प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद वर्मा ने कहा, आज की गोष्ठी रामकथा पर केंद्रित है। रामचरितमानस की प्रत्येक पंक्ति और चौपाई में भगवान राम का आदर्श स्वरूप झलकता है, जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। रामचरितमानस में वर्णित गंडक वन, जहां भगवान राम ने वनवास काल में निवास किया था, एक घना जंगल था। उन्होंने वहां ऋषियों की रक्षा करते हुए राक्षसों का संहार किया, यह विवरण ग्रंथ की प्रामाणिकता को दर्शाता है। इसके बाद भगवान राम चित्रकूट पर्वत पहुंचे, जो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और फल फूल झरनों से समृद्ध है। रामायण में भगवान राम सहित सभी पात्रों को सामान्य मानवीय रूप में चित्रित किया गया है। सभागार में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये जो भौगोलिक जो लोकेशन है, जगह है, भूगोल की दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी जगह पे चीजें लोकेट कर लेते हैं और उससे हम प्रमाणित करते हैं कि ये जो ग्रंथ है बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही खंडित हुआ है। उदाहरण के लिए, या गंगा और यमुना नदी के संगम चित्रकूट पहाड़ी पर भारद्वाज का आश्रम था, जहाँ वे अपने निर्वासन के दौरान बसे थे और बाद में वो दंडक वन में आरती के आश्रम में चले गए। जंगल इतना घना था कि उसमें राक्षसों का निवास था। ये दंडक वन वो जगह है जहाँ पे सबसे अधिक राम सीता और लक्ष्मण जी का वनवास था 10 साल का, और वो बिल्कुल घना जंगल था और शायद इसीलिए वहाँ पे राक्षसों का भी मेंशन है और ऋषियों को राक्षसों से बचाए गए। मंदाकिनी नदी के करीब चित्रकूट की पहाड़ियां और गोदावरी नदी के किनारे दंडक के घने जंगल में पंचवटी के अत्यधिक सुंदरता और प्राकृतिक उद्यान के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें प्रचुर मात्रा में उर्वरता, फूल और फल, झरने, झील, खनिज संसाधन और प्राकृतिक सौंदर्य अपने सर्वोत्तम रूप में दर्शाती है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।